एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ श्राद्ध क्यों किया जाता है और किस लिए करते हैं। इस पर इसकी उसकी माँ ने हंसते हुए बड़े प्यार से उसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि बेटा, ये श्राद्ध हम पितरों के लिए किया करते हैं, और जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, हमें उसके लिए करना पड़ता है। इस पर उसकी बेटी कहती है कि माँ, ये सब सामान उन लोग के पास कैसे पहुँच जाता है। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये सब मन की तसल्ली के लिए सब किया जाता है, इसमें पहुंचता नहीं है, सिर्फ मन की तसल्ली है। अगर हमने जीते जी उनके लिए कुछ नहीं किया, तो मरने के बाद आप कितना भी लाख गुना कुछ भी दान कर दो, उनके पास वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप जीते जी तो उनके होते नहीं हैं। और मरने के बाद कितने सारे दान करते हैं, अरे करना है तो जीते जी करो, जिन्हें खाना दो, प्यार से रखो, उनके साथ टाइम बिताओ, क्योंकि बुज़ुर्ग पैसे और उसके भूखे नहीं रहते, उन्हें बच्चों का प्यार चाहिए। एक एज ऐसी आती है जो अपने बच्चों से के पास बैठने के लिए तरसते हैं, बच्चों के पास रहने के लिए तरसते हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं निकालते, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं कि हमें बुढ़े बुढ़िया के साथ नहीं रहना। मैं आप लोग से गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ श्राद्ध करना है तो श्राद्ध करने के लिए आप खूब आराम से करिए, लेकिन जो करना है आप जीते जी करिए, तन मन से सेवा करिए। उन्हीं माँ बाप ने आज हमें इस लायक बनाया है कि आज हम कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने माँ बाप का एहसान मानिए। और मैं भी मानती हूँ एहसान कि आज इस लायक बनाया है कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं और कुछ बोलने के काबिल बने हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, जो उनको चाहिए वो करिए। ठीक है, ओके, बाय।